हेलो फ्रेंड, मैं हेमंत कुमार, आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप साइबर कैफे अगर अपना न्यू ओपन करते हो तो साइबर कैफे में बिना किसी पोर्टल के कौन कौन से काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना। ये हमारी वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 3 ला चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि साइबर कैफे स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए और कौन कौन सी मशीन चाहिए। सब चीज़ के रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है। उन वीडियो का लिंक भी आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन वीडियो को भी जाकर आप देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए मैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, बिना साइबर साइबर कैफे में बिना किसी पोर्टल के जो काम होंगे उनकी डिटेल बताऊँगा मैं आपको कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो आता है ये फोटो कॉपी कर सकते हो, ये तो आप नॉर्मली करोगे, और प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो नॉर्मली फोटोकॉपी आप 1 से 2 रुपए में ले सकते हो, कर सकते हो, और प्रिंट आउट के लिए आपको कम से कम पता होगा 10 से 15 रुपए लोग अगर लेते हैं तो। और आप यहाँ बिना पोर्टल के मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हो, DTH रिचार्ज या ऑल टाइप के बिल पे कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूँ मोबाइल रिचार्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमीशन चाहिए होता है। तो इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जिसमें आपको उन एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हो तो आपको इसमें कमीशन मिल सकता है। जैसे कि जियो पोज लाइट है जियो के लिए, एयरटेल के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप है, इन ऐप्स में भी आपको कमीशन मिलती है अगर उनसे रिचार्ज करते हो। कई सारे ऐप हैं, इन ऐप के बारे में भी आपको बता दूंगा हमारी अगली वीडियो में तो किससे आप रिचार्ज करोगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं आपको बता दूँ तो इसमें देखिए आधार कार्ड करेक्शन कर सकते हो, जिसमें कि एड्रेस बिना किसी उसकी UIDAI की वेबसाइट से एड्रेस करेक्शन कर सकते हो लोगों का। न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, न्यू पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। और देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप न्यू वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो लोगों का, और उसमें करेक्शन भी कर सकते हो वोटर आईडी कार्ड में। और न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप नॉर्मली वेबसाइट है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा हर चीज़ की, आपको कैसे करना है बिना किसी पोर्टल के खरीदे। और यहाँ DL के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और आगे देखिए आप PF PF से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, PF क्लेम करना, KYC करना, स्टेटस चेक करना, ETC, कई सारे काम होते हैं PF के, ये भी आप PF की वेबसाइट से कर सकते हो लोगों की। और यहाँ पे राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लोगों का न्यू राशन कार्ड बना सकते हो E-District की वेबसाइट से। राशन कार्ड में कोई भी करेक्शन करना है, जैसे कोई भी मेंबर ऐड करना है, डिलीट करना है, वो भी कर सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट भी बना सकते हो E-District की वेबसाइट से। और यहाँ पे ऑनलाइन FIR भी कर सकते हो, ऑनलाइन FIR अगर कोई आता है तो ऑनलाइन FIR उसकी कर देना। इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। और देखिए रेल टिकट या एयर टिकट बुक कर सकते हो, नॉर्मली 1-2 पर्सन आते हैं तो उसकी बुक कर लेना। अगर आप UIDAI RCTC की उस पर अकाउंट बना लेते हो, उस पर महीने में कम से कम 12 ID आधार कार्ड अटैच करने के बाद 12 टिकट बुक कर सकते हो। तो एयर टिकट और रेल टिकट भी उससे बुक कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं ऑनलाइन चालान पे, लोग गाड़ी का चालान होता है तो उसको पे करवाने के लिए साइबर कैफे की दुकान पे आते हैं, उस चालान को पे भी कर सकते हो तुम। और देखिए ओल्ड टाइप पेंशन यानी विधवा पेंशन, बुजुर्ग वाली पेंशन जो भी बनती है, पेंशन के फॉर्म भी आप E-District की वेबसाइट से बना सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, देखिए E-District वर्क, मतलब E-District पे कई सारे वर्क होते हैं जो तुम फ्री में कर सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, और नहीं तो इसके लिए कोई पोर्टल नहीं लेना होता। E-District दिल्ली का जो पोर्टल है, इससे आप कई सारे काम कर सकते हो। इसमें बहुत सारी सर्विस मिलते हैं, कम से कम 150 से 200 के आसपास सर्विस मिलते हैं, उनका सारा काम आप कर सकते हो वो फ्री में बिना किसी वेबसाइट के सारा लिए। E-District से बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ एजुकेशनल वर्क में। एजुकेशनल वर्क में आप क्या कर सकते हो, देखिए रिज्यूम बना सकते हो लोगों के, आप रिज्यूम के भी जब बहुत सारे लोग बनवाने आते हैं जो स्टूडेंट होते हैं रिज्यूम बनवाने आते हैं, उनका तुम 10 से 15 रुपये में रिज्यूम बना के प्रिंट आउट करके दे सकते हो। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी बना सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल दो हमारा, वो तो अर्जेंट फ़ोटो तुम निकाल सकते हो। और इसके लिए मैं सबके लिए वीडियो बनाऊंगा आपको ये सब कैसे काम करना है। और देखिए ड्यू सोल और ड्यू इग्नू NIOS, इन सब के एडमिशन फॉर्म भर सकते हो, और ITI का एडमिशन फॉर्म भर सकते हो, ऑल गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म फिल कर सकते हो, और रिजल्ट से रिलेटेड भी तुम वीडियो फॉर्म भर सकते हो। तो ये सारे काम आप साइबर कैफे पे कर सकते हो। तो उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो हम मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।